इस कहानी की शुरुआत में हमें एक फेरी लैंड को दिखाया जाता है जहां सारी फेरी मिलकर अपना अपना काम कर रही होती है। दरअसल सभी फेरीज के पास अलग अलग पावर होती है, जैसे किसी के पास वाटर को कंट्रोल करने की पावर होती है तो किसी के पास लाइट को कंट्रोल करने की। इसीलिए सभी फेरी मिलकर अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से फेरी लैंड को और भी सुंदर बनाती है और बाहरी ताकतों से फेरी लैंड की रक्षा करती है। वही हमें जयना नाम की एक परी को दिखाया जाता है जिसके पास बाकी के फेरी की तरह कोई स्पेशल पावर तो नहीं होती, लेकिन वो एक डस्ट कीपर फेरी होती है। दरअसल डस्ट एक ऐसा मैजिकल पार्टिकल होता है जो पूरे फेरी लैंड को खूबसूरत बने रहने में मदद करता है और सारी फेरीज डस्ट पार्टिकल की मदद से ही उड़ पाती है। रास्ते में जयना सभी फेरी से मिलती हुई आगे बढ़ी रही होती है कि तभी डस्ट वर्कशॉप की घंटी बजने लगती है, जहां पर डस्ट पार्टिकल को छोटी छोटी पत्तियों में बंद करके फेरी लैंड के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। घंटी की आवाज सुनकर जयना जल्दी से डस्ट वर्कशॉप में आ जाती है और बाकी के डस्ट कीपर फेरी के साथ मैजिकल डस्ट को पैक करने लगती है। यहाँ पर जयना मैजिकल डस्ट के कुछ पार्टिकल को अपने बालों में लगा लेती है जिससे उसके बाल हवा में उड़ने लगते हैं और वो बहुत खुश होती है। लेकिन बाकी की डस्ट कीपर जयना को बहुत ही अजीब तरीके से देख रही होती है। दरअसल फेरी लैंड में सारी फेरी पहले से बनाए गए नियमों के हिसाब से चलती है और कभी भी रूल नहीं तोड़ती, लेकिन जयना चीजों को जानने के लिए काफी क्यूरियस होती है, इसीलिए अक्सर वो रूल्स को तोड़कर एक्सपेरिमेंट करती रहती है। अब यहाँ पर डस्ट कीपर फेरी के हेड आ जाते हैं जिनका नाम गेरी होता है। गेरी जयना को अपने साथ ले जाते हैं और उसे ब्लू डस्ट के बारे में बताते हैं जिसकी मदद से मैजिकल डस्ट को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। गेरी जयना को ब्लू डस्ट के बारे में इसीलिए बताते हैं क्योंकि उनको जयना पर पूरा विश्वास होता है कि वो ब्लू डस्ट कीपर बनने का काम अच्छे से कर सकती है। अब क्योंकि जयना चीजों को जानने के लिए काफी क्यूरियस होती है, इसीलिए वो गेरी से पूछती है कि डस्ट पार्टिकल गोल्ड कलर के क्यों होते हैं, वो बैंगनी या गुलाबी क्यों नहीं होते। इस पर गेरी जयना को समझाते हैं कि हम डस्ट कीपर्स हैं और हम किसी भी चीज से छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन जयना गेरी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और चुपके से अपने बेंगल पर गोल्डन डस्ट लगाकर उस पर ब्लू डस्ट की कुछ बूंदे गिराती है, जिसकी वजह से जयना के बेंगल में लगे गोल्डन डस्ट पार्टिकल की संख्या बढ़ने लगती है। वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर इधर उधर उड़ने लगता है और गेरी के सिर से टकरा जाता है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। गेरी यह सब देखकर बहुत गुस्सा होते हैं और जयना को फिर कभी भी ऐसा कुछ करने से मना करते हैं। इसके बाद जयना अपने घर आ जाती है और वो बहुत दुखी होती है क्योंकि अभी तक उसका एक भी एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ था। अब जयना दुखी होकर अपनी एक्सपेरिमेंट बुक को पढ़ी रही होती है कि तभी उसके सिर पर लगा ब्लू डस्ट का एक पार्टिकल नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर जयना बहुत खुश होती है और गोल्डन डस्ट और ब्लू डस्ट की मदद से एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसा मैजिकल डस्ट बनाती है जिसकी मदद से वो लाइट को कंट्रोल कर पा रही थी, जो लाइट फेरी के अलावा कोई नहीं कर सकता। जयना ये देखकर बहुत खुश होती है और अपनी फ्रेंड टिंकर फेरी को अपने घर ले आती है और वो दोनों साथ में एक्सपेरिमेंट करके सभी कलर की डस्ट पार्टिकल बनाती है, जिसे देखकर टिंकर फेरी पूरी तरह से हैरान होती है। दरअसल फेरी लैंड में सभी फेरी का अपना अलग कलर होता है और जयना के द्वारा बनाया गया मैजिकल डस्ट उन कलर वाली फेरी के जितना ही पावरफुल होता है। टिंकर फेरी ये सब देखकर डर जाती है और जयना को अपना एक्सपेरिमेंट रोकने को कहती है, लेकिन जयना टिंकर फेरी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती कि तभी गलती से जयना के हाथों से मैजिकल डस्ट छूटकर एक छोटे पौधे पर गिर जाता है और मैजिकल डस्ट की वजह से देखते ही देखते वो पौधा बड़ा होना शुरू हो जाता है और वो जयना के घर के साथ ही डस्ट वर्कशॉप को भी पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। गेरी ये सब देखकर बहुत गुस्सा होते हैं और अब यहाँ पर बाकी के फेरी के साथ किन फेरी क्लेरियन भी आ जाती है। गेरी गुस्से में जयना को फेरी लैंड के लिए खतरा बताकर उसे फेरी लैंड से चले जाने को कहते हैं। गेरी की बात सुनकर जयना बहुत दुखी होती है और अपना सामान लेकर फेरी लैंड को छोड़कर चली जाती है। फिर हम एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेरी लैंड में एक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसे देखने के लिए विंटर फेरी भी आई होती है। इस समय पूरा स्टेडियम फेरी से भरा होता है और टिंकर बेल अपनी फ्रेंड के साथ
सभी लोगों को देख रही होती है, क्योंकि आज के प्रोग्राम में वो भी अपनी फ्रेंड्स के साथ परफॉर्म करने वाली थी। अब कार्यक्रम शुरू होता है और सबसे पहले विंटर फेरी परफॉर्म करती है। इसके बाद हम ब्लिंक नाम की विंटर फेरी को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड बोबल के साथ शो देखने के लिए आया होता है, लेकिन शो के शुरू होते ही वो वॉशरूम के लिए चला जाता है। इस समय सभी लोग बहुत खुश होते हैं और विंटर फेरी को परफॉर्म करते हुए देख रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जरीना आ जाती है, जो अपने मैजिक की मदद से स्टेडियम के चारों तरफ जायंट गुलाबी फ्लावर को उगा देती है, जिसमें से वो गुलाबी कलर के डस्ट को शो देखने आए सभी लोगों के ऊपर गिराना शुरू कर देती है। शो देखने आए सभी फेरी और यहाँ तक कि किंग और क्वीन फेरी भी यह सब देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन रोसेटा को शक हो जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए अपने फ्रेंड्स के साथ एक बड़े से बॉक्स के अंदर छुप जाती है। अब गुलाबी पार्टिकल की वजह से सभी लोग गहरी नींद में जाना शुरू हो जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर जैना डस्ट वर्कशॉप से ब्लू डस्ट को लेकर वहाँ से निकल जाती है। ब्लैंक जब वॉशरूम से वापस आता है तो सभी लोगों को गहरी नींद में देखकर बहुत हैरान होता है। तभी उसे टिंकर बेल और उसके दोस्तों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो अभी भी उसी बड़े से बॉस के अंदर फंसी होती है। ब्लैंक उन सभी को बॉस के अंदर से बाहर निकालता है। बाहर सभी को सोता हुआ देखकर वो सभी पूरी तरह से हैरान होते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि जरीना जरूर ब्लू डस्ट हासिल करने के लिए यहाँ आई होगी, और जब वे डस्ट वर्कशॉप में जाकर देखती है तो जरीना ब्लू डस्ट लेकर वहाँ से जा चुकी थी। ये देखकर इरिडेसा पूरी तरह से डर जाती है, क्योंकि ब्लू डस्ट के न होने से गोल्डन डस्ट नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से कोई भी फेरी उड़ नहीं पाएगी, क्योंकि गोल्डन डस्ट की मदद से ही सभी फेरी उड़ पाती है। इरिडेसा को डरता देखकर बाकी के फेरी उसे शांत करती है। ब्लैंक ने बताता है कि उसने जरीना को नदी की तरफ जाते हुए देखा था। ब्लैंक की बातें सुनकर टिंकर बेल ब्लैंक को नींद में गए सभी फेरी की देखभाल करने के लिए बोलकर खुद बाकी के फेरी के साथ जरीना को पकड़ने के लिए निकल जाती है। कुछ दूर जाने पर इन्हें जरीना दिखाई देती है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से यह उसे नहीं पकड़ पाती और जरीना पायरेट्स के साथ छोटी सी बोट में बैठकर उनकी बड़ी सी शिप की तरफ निकल जाती है। जरीना को पायरेट्स के साथ बोट में बैठा देखकर टिंकर बेल को लगता है कि पायरेट्स ने जरीना को बंदी बना लिया है, इसलिए जरीना ने उनके कहने पर ब्लू डस्ट चुराया होगा। ये सोचकर टिंकर फेरी अपने दोस्तों के साथ जरीना को पायरेट से बचाने के लिए छोटी बोट पर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि पायरेट्स ने जरीना को किडनैप नहीं किया, बल्कि जरीना खुद सभी पायरेट्स की कैप्टन है। ये देखकर सभी फेरी बहुत दुखी होती है और वो पायरेट्स और जरीना पर हमला करके उनसे ब्लू डस्ट छीनने लगती है, और किसी तरह बहुत मुश्किल से जरीना के हाथों से ब्लू डस्ट लेकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन इससे पहले कि ये ब्लू डस्ट लेकर वहाँ से निकलती, इनके सामने जरीना आ जाती है, जो इनसे ब्लू डस्ट को वापस मांगती है। लेकिन जब टिंकर बेल जरीना को ब्लू डस्ट देने से मना कर देती है, तो जरीना टिंकर और बाकी के फेरी के ऊपर एक मैजिकल डस्ट स्प्रेड करती है, जिसकी वजह से सभी फेरी नीचे गिर जाती है और जरीना ब्लू डस्ट लेकर वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जरीना के मैजिकल डस्ट स्प्रेड करने की वजह से सभी फेरी की पावर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गई थी, जिसकी वजह से सभी फेरी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अचानक से किसी और की पावर मिलने की वजह से वो अपनी पावर को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब क्योंकि टिंकर बेल को वाटर कंट्रोल करने की पावर मिली होती है, इसीलिए वो वाटरफॉल को रोके रहने की कोशिश करती है और बाकी की फेरी को वहाँ से बाहर निकलने को कहती है। लेकिन जैसे सिल्वर मिस्ट फेरी वाटरफॉल से बाहर निकलती है, टिंकर बेल से वाटरफॉल कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से टिंकर बेल और बाकी की फेरी वाटरफॉल के साथ ही नीचे समुद्र के किनारे पर आ जाती है। यहाँ पर रोसेटा को एक क्रोकोडाइल का एक दिखाई देता है, जिसमें से अगले ही पल एक क्रोकोडाइल बेबी बाहर निकलता है। क्रोकोडाइल बेबी ने सबसे पहले रोसेटा को देखा था, इसीलिए रोसेटा को अपनी मॉम समझने लगता है। इसके बाद सिल्वर मिस्ट फेरी अपने तेज उड़ने के पावर का इस्तेमाल करके आसमान में जाती है, जहाँ से वो देखती है कि पायरेट्स की शिप कुछ ही दूरी पर है। अब क्योंकि पानी में भीग की वजह से सिल्वर मिस्ट को छोड़कर कोई भी फेरी उड़ नहीं सकती, इसीलिए सिल्वर मिस्ट बाकी के फेरी को क्रोकोडाइल के टूटे हुए अंडे में बिठाकर उन्हें खींचते हुए पायरेट शिप पर पहुंच जाती है। यहाँ पर देखती है कि पायरेट जैना को अपना कैप्टन
कैप्टन बनाकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जैना ने पायलट से वादा किया होता है कि उनकी शिप हवा में उड़ेगी, जिसकी वजह से वो पूरे समुद्र पर राज करेंगे। इसके बाद ये लोग स्कल आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां पर जैना ने अपना खुद का एक डस्ट वर्कशॉप बनाया होता है। यहां पर जैना ब्लू डस्ट की मदद से ढेर सारा गोल्डन डस्ट बनाना चाहती है, ताकि वो पायलट्स की शिप को हवा में उड़ा पाए। यहां पर फेरी किसी तरह से चुपते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर जैना ने ब्लू डस्ट को रखा होता है। और जब जैना जेम्स के साथ बात करने में बिजी होती है, तो सारी फेरी मिलकर ब्लू डस्ट को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन वो आपस में एक दूसरे की पावर एक्सचेंज होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाती, और जैना उन्हें देख लेती है। इसके बाद जैना के इशारे पर एक पायरेट सभी फेरी को पकड़कर उन्हें एक पिंजरे में कैद कर देता है। जैना ब्लू डस्ट की मदद से गोल्डन डस्ट बनाने में कामयाब हो जाती है, जिसे देखकर सभी पायरेट्स बहुत खुश होते हैं। गोल्डन डस्ट बनने के बाद जब जेम्स जैना से पूछता है कि वो गोल्डन डस्ट की मदद से कैसे उड़ेंगे, तो जैना जेम्स के बॉडी में गोल्डन डस्ट लगाकर उसे हवा में उड़ना सिखाती है, जिससे जेम्स बहुत खुश होता है। और जब उसे कन्फर्म हो जाता है कि गोल्डन डस्ट की मदद से हवा में कैसे उड़ना है, तो जैना को पकड़कर एक बॉक्स में कैद कर देता है, क्योंकि उसने इतने दिनों से जैना को शिप का कैप्टन इसलिए बनाया था ताकि वो गोल्डन डस्ट और ब्लू डस्ट को हासिल कर सके। जेम्स को ऐसा करता देखकर जैना बहुत दुखी होती है, और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ हम टिंकर बेल और बाकी के फेरी को देखते हैं, जो अभी भी पिंजरे में बंद होती है। हालांकि इन्होंने यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की होती है, लेकिन हर बार पायरेट इन्हें पकड़ लेता है। तभी शिप पर वही क्रोकोडाइल बेबी आ जाता है, जो रोशिटा को बीच पर मिला था। क्रोकोडाइल बेबी रोशिटा और बाकी की फेरी को पिंजरे से आजाद करा देता है, और जब पायरेट इन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, तो बेबी क्रोकोडाइल पायरेट पर हमला कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर रोशिटा अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद ये लोग पायरेट से छुपते हुए उस जगह पर पहुँच जाती है, जहाँ पर जैना ने ब्लू डस्ट को रखा होता है, और ये ब्लू डस्ट को लेकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी इन्हें जेम्स की आवाज़ सुनाई देती है, जो इनसे कहता है कि अगर तुम लोग ब्लू डस्ट मुझे नहीं दोगी, तो मैं जैना को पिंजरे के साथ ही समुद्र में फेंक दूंगा। टिंकर बेल जब ये देखती है, तो ब्लू डस्ट को उसी जगह पर रख देती है, जहाँ से उसने उठाया होता है। इसके बाद जेम्स ब्लू डस्ट को ले लेता है, और गोल्डन डस्ट को अपनी शिप पर डालने लगता है। इसके बाद वो अपनी शिप पर बैठकर वहाँ से उड़ जाता है, और जैना को पिंजरे के साथ ही नीचे समुद्र में फेंक देता है। लेकिन इससे पहले कि समुद्र में डूबने की वजह से जैना की मौत होती, टिंकर बेल बाकी की फेरी के साथ मिलकर उसे डूबने से बचा लेती है। जैना इस समय बहुत दुखी होती है, क्योंकि यह सब उसकी वजह से ही हुआ था। जैना को परेशान देखकर बाकी की फेरी उसे समझाती है कि जो होना था वो हो गया। इसके बाद ये लोग ब्लू डस्ट हासिल करने के लिए एक बार फिर से जेम्स के शिप पर आ जाती है। यहाँ पर फेरी और पायरेट्स के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन फेरी पायरेट्स के मुकाबले साइज में बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से वो पायरेट्स के सामने टिक नहीं पा रही थी। सभी फेरी मिलकर पायरेट से लड़ रही होती है, और जैना जेम्स के साथ फाइट करके उसे ब्लू डस्ट छीनने की कोशिश करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रोशिटा क्रोकोडाइल पर बैठकर पायरेट से लड़ रही होती है। इसके बाद सभी फेरी मिलकर किसी तरह शिप का लंगर नीचे कर देती है, और सिल्वर मिस्ट अपनी पावर की मदद से समुद्र से मोटी मोटी बेले निकाल कर लंगर को जकड़ लेती है, जिसकी वजह से शिप एक तरफ को झुक जाती है। लेकिन जेम्स बहुत ही बहादुरी से बेलों को काट देता है, और इसी दौरान फेरीज पर एक बड़ा सा कपड़ा गिर जाता है, जिसकी वजह से फेरीज पकड़ी जाती है। लेकिन तभी जैना शिप का पतवार खोल देती है, जिसकी वजह से पायरेट्स और गोल्डन डस्ट के साथ ही जेम्स भी नीचे समुद्र में गिर जाता है, और जैना ब्लू डस्ट हासिल कर लेती है। लेकिन इससे पहले कि जैना ब्लू डस्ट और अपने दोस्तों के साथ वहाँ से जाती, वहाँ पर जेम्स आ जाता है, जो गोल्डन डस्ट के अपने ऊपर गिरने की वजह से उड़ पा रहा था। इसके बाद जेम्स जैना से ब्लू डस्ट हासिल कर लेता है, लेकिन तभी जैना नीचे गिरे ब्लू डस्ट के छोटे से पार्टिकल को जेम्स के ऊपर फेंकती है, जिसकी वजह से गोल्डन डस्ट की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है, और उड़ते हुए इधर उधर जाने लगता है। इसके बाद जैना अपने दोस्तों को आजाद करा देती है, और उनकी मदद से जेम्स की बॉडी पर लगे गोल्डन पार्टिकल को साफ कर देती है, जिसकी वजह से अब जेम्स उड़ नहीं पाता। ब्लू डस्ट मिलने से जैना और बाकी की फेरी बहुत खुश होती है, और वो जेम्स को बाकी के पायलट्स के साथ समुद्र में छोड़कर उनके शिप को लेकर वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम फेरी लैंड को देखते हैं, जहाँ पर
सभी लोग अभी तक सो रहे होते हैं। इसके बाद जेरिना गोल्डन डश की मदद से सभी को नींद से जगा देती है। गैरी जेरिना को एक बार फिर से फेरी लैंड में देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जेरिना ब्लू डश को फेरी क्वीन क्लेरियन को दे देती है और जब बाकी की फेरी क्वीन को बताती है कि जेरिना अपनी मैजिक की मदद से एक बेहतरीन शो परफॉर्म कर सकती है तो क्वीन जेरिना को एक शो परफॉर्म करने को कहती है, जिसके बाद जेरिना बाकी की फेरी के साथ मिलकर एक बहुत ही शानदार शो परफॉर्म करती है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी फेरी बहुत खुश होती है। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।